long dipper from Junaid Khan. He gets the big one. Assalamualaikum everyone. उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे. आज इंटरेस्टिंग न्यूज होंगे क्योंकि काफी दिनों के बाद जो है वो बातचीत हो रही है. जिस तरह एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं या इवन पीसीबी में कुछ लोग कह रहे हैं कि इमाम उल हक का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया उस इंटरव्यू जो उसने दिया था. साथ में जो है वो पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान टीम के जो मैनेजमेंट अनाउंस हुए उसी पे भी बात करेंगे. लेकिन उससे पहले आईपीएल कल जो मैच हुआ है चेन्नई का प्ले ऑफ का पहला सेमीफाइनल था. 172 चेन्नई ने बनाए थे. और जाहिर बात है जब बड़ा मैच होता है उसमें चेजिंग जो मुश्किल होता है वो इसलिए क्योंकि प्रेशर गेम होता है. जीटी वो 157 पे जो है वो ऑल आउट हो गए. सो चेन्नई ने ऑलरेडी जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले. अभी जीटी जो है वो स्टिल उनके पास दूसरा चांस है क्योंकि जो दो टॉप की टीमें होती हैं सो जो पहला मैच जीतते हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, दूसरे के पास और भी चांस होता है. लेकिन आज जो है एलएसजी वर्सेस मुंबई का जो है वो क्वार्टर फाइनल होगा. अगर इनमें से जो भी जीत जाता है तो फिर वो जीटी के साथ जो है दोबारा सेमीफाइनल खेलेगा और उसमें से जो भी जीत जाता है सो वो फाइनल के लिए करेंगे. सो आज मोस्ट लेकिन ये कि इस बार मज़ा आया. जिस तरह पीएसएल में क्लोज क्लोज मैचेस होते रहे तो इस बार भी काफ़ी मैचेस जो है वो क्लोज क्लोज हुए. इमाम की अगर बात की जाए, इमाम को तो वैसे भी बॉलने का बहुत शौक है. पता नहीं शुरू से ही है, जब से मैं खुद देख रहा हूँ उसको अंडर-19 लेवल से भी तो उसको बॉलने का बहुत शौक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और भी बात कर रहा होते हैं तो वो दरमियान में घुस जाता है. ऊपर से जो है अभी जिस तरह वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में तो वो एज ए एक्सपर्ट जो है वो टीवी पे भी बैठा था. तो वही चीज है वो कर करके जाहिर बात है जब आप टीवी पे बैठ जाते हो एज एक्सपर्ट्स तो आप तो कुछ भी कह सकते हो. लेकिन जब आप टीम का हिस्सा होते हो जिस भी टूर में आप फिर जो है वो वही चीज़ें बोलेंगे जो पीसीबी के अगेंस्ट नहीं हो या टीम के अगेंस्ट नहीं हो. अच्छा इसमें तो मैं ये कहूँगा कि गलती जो है वो पीसीबी की है. पीसीबी की इसलिए है आप किसी से भी पूछ लें क्योंकि जो भी प्लेयर जो खेल रहा होता है या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होता है सो वो अगर एज ए एक्सपर्ट बात करेगा किसी भी चीज़ पे तो जाहिर बात है वो अपने प्लेयर के अगेंस्ट बात करेगा. वो अपने जो उनके साथ जो 15-20 प्लेयर है जो प्लेइंग 11 में होते हैं या जो टीम का हिस्सा होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट बात करेगा. सो जब आप किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट बात करोगे एज एक्सपर्ट तो टीवी पे तो जाहिर बात है वो उसको निगेटिव लेगा. सो इससे क्या होगी जो टीम की यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है. और एक दफ़ा जब टीम का जो ये जिल होना बंद हो जाता है ना तो टीमें जो है वो नीचे आ जाती है. आप देख ले श्रीलंका टीम कितनी बड़ी टीम थी या वेस्ट इंडीज की टीम कितनी बड़ी टीम थी. अभी वो क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे. वेस्ट इंडीज को देख ले, लास्ट टाइम उन लोगों ने क्वालिफाई भी नहीं किया हालांकि उसके जितने भी प्लेयर हैं वो सारे जो लीगें होते हैं वो उन्हीं की वजह से है. तो क्योंकि वही इस तरह के वो शोर शराबा करते हैं और इंजॉय करते हैं तो उन्हीं की वजह से जो ये लीगें जो है वो रंगारंग हो जाती है. लेकिन उन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया. उसका रीजन ये है कि उसमें यूनिटी नहीं है. हर कोई चाह रहे कि मैं लीग के लिए टीम के लिए वो कोई नहीं है. सो अगर इस तरह के एक्सपर्ट कोई भी प्लेयर बैठेगा इमाम हो चाहे कोई भी हो और वो टीम का हिस्सा होते हैं तो उससे टीम की जो यूनिटी है वो ख़त्म होती जाएगी. सो जब उसने बात की तो जाहिर बात है उसने सिलेक्शन कमेटी और चेयरचार और इन चीज़ों पे बात की तो जाहिर बात है वो जो एक्स क्रिकेटर है वो भी सारे नाराज़ हो गए, पीसीबी नाराज़ हो गए. तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी वो 2-3 मैच नहीं खेला आखिरी. और अब भी जो है वो कुछ जिस तरह आकिब भाई ने कहा, शाहिद भाई ने कहा और भी कुछ प्लेयर ने कहा, राशिद भाई ने कि भाई हमें लग रहा है कि इमाम का करियर ख़त्म हो गया. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर बात उसके बाबर के साथ भी दोस्ती ये पीसीबी में भी उसके अच्छे लिंक है. सो करियर तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन उसको ये दे कि सजा भी दिया और उसको बता दिया कि नेक्स्ट टाइम जो है वो एहतियात करना है. फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन कमेटी हारून भाई आ गए, उसके साथ जो है वो मिकी आतर आ गए. और सबसे जो मैं ये कहूँगा कि ब्लेंडर, मुझे तो ब्लेंडर लग रहा है क्योंकि हम जो है वो दूसरों को देख देख के वही चीज़ें शुरू करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि ये NLS टीम के साथ जो एक्स्ट्रा होता है या जो वीडियो वगैरह वो एक सिस्टम जो है वो इंग्लैंड ने निकाला था 2014-15 में. और इंग्लैंड ने जो है वो फुटबॉल की जो टीमें होती है उनको देख के वो चीज़ शुरू की थी. अच्छा इंग्लैंड वालों ने क्यों निकाला और वो उस पर जो है वो लाइक मैं ये कहूँ कि उनको हेल्प मिल रहा था, वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड का जो होम सीरीज होता है ना तो उसमें वो जब सीरीज जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो वो बिल्कुल जो फ्रेश प्लेयर्स होते हैं जो काउंटी में परफॉर्म किए होते हैं तो वो प्लेयर लेके आते हैं. फिर इवन कप्तान भी
मेरी बटलर से बात हो रही थी तो उसने उसी टाइम कहा था काउंटी में जब हम खेल रहे थे इकट्ठे लंका शहर से, उसने यही बात की थी कि भाई मॉर्गन कप्तान होता है वो दो तीन मैच खेल रहे थे, जब हम सीरीज के जीत जाते हैं तो हम यंगस्टर को चांस दे देते हैं, या जब वो रेस्ट करते हैं मैं कप्तान आता हूँ तो मुझे तो पता नहीं होता कि कौन सा प्लेयर जो है वो काउंटी में क्या कर रहे हैं किस तरीके से। सो वो एनालिस्ट को पता है, वो हमें बाहर से गाइड करते हैं, वो हमें इशारे देते हैं कि ये कर वो कर, तो ये हमारे लिए अच्छा है। फिर उसी चीज़ को जो है वो ग्रांट फ्लावर जो है वो लेके आए मुल्तान में, अब मुल्तान का अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। सो लोगों ने कहा कि वाह वाह ये तो इसी वजह से है। सो अब हमने क्या किया, हम पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज़ लेके आए। अब इंग्लैंड की जो सिचुएशन है वो अलग है, हमारे हाथ तो ये होता है कि भाई अब आप लोगों ने देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहले से ही T20 वनडे की टीम जो है वो अनाउंस हो गई। सो हमारे यहाँ ये नहीं है कि रोटेशन पॉलिसी है ही नहीं, तो ये तो उस कंट्री में बेस्ट है जिस जहाँ पे रोटेशन पॉलिसी हो। तो अभी देखना ये होगा कि इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान, मुझे तो लग रहा है कि नुकसान होगा, वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे अंडर 7, 8, 9, 10 से जो है वो प्लेयर जो है प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू कर लेते हैं। हम लोग जब अंडर 19 अंडर 16 खेलते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि प्रोफेशनल क्रिकेट है क्या। तो हम नेचुरल होते हैं, कोई जो है वो स्ट्रीट में खेल रहा होता है, कोई किधर खेल रहा होता है, हम लोग टेप बॉल खेल खेल जो है वो ऊपर आए होते हैं। सो जब हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं एनालिस्ट वगैरह में तो हम रह ही जाते हैं। अब ये देखना होगा कि शाहीन है, हारिस है, नसीम है या जो भी है, वो आया अपना जो उनके माइंड सेट है जो शुरू से करते आ रहे हैं वो करेंगे, या जो उसको एनालिस्ट कहेंगे कि आपने इस तरह करना है को इस तरह करना है उस तरह, या वो करेंगे, मेरे ख्याल में तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा फिर जो है वो मिकी डायरेक्टर आ गया। अच्छा डायरेक्टर या मेंटोर, आप लोगों ने लीगों में देखा होगा ये यहाँ से शुरू हुआ है। अब मेंटोर या डायरेक्टर वही होता है जो एक नाम होता है, एक ब्रांड होता है, जिस तरह क्वेटा के साथ व्यू रिचर्ड था वो एक ब्रांड था, तो वो टीम के लिए जो है वो मुराल हाई करता था, वो प्लेयर को नहीं बताता कि बल्ला इस तरह पकड़, ये कर वो कर। सो जिस तरह यूनिस भाई थे या वसीम भाई जो कराची किंग के साथ थे या इंजी भाई पेशावर जर्मी के साथ थे, तो वो बताते नहीं है, वो जो ड्रेसिंग रूम में बैठता है वो बहुत बड़ी बात होती है प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, फिर वो आपको बताते अपना एक्सपीरियंस। अब मिकी जो है वो तो इंटरनेशनल खेला भी नहीं है तो पता नहीं उसकी क्या तरीकाकार होगा, वो भी समझ से बाहर है। फिर ब्रेडमैन ये बेसिकली स्कॉटलैंड का भी कोच रह चुका है, फिर हमारा फील्डिंग कोच था, फिर उसके बाद जो है उसको NCAA में लेके गए, कह रहे कि उसकी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं क्योंकि हमारी फील्डिंग साइड और वीक हो गई उसके आने की वजह से, अब उसको एज ए हेड कोच लेके आए, तो ये समझ से बाहर है कि भाई उसने ये 2-3 सालों में कितनी इम्प्रूवमेंट की, कि वो एक दफ़ा आप लोगों ने कहा कि यार हमने गलत किया कि उसे फील्डिंग कोच लिया, अभी आप लोगों ने उसको हेड कोच बनाया, तो ये चीज़ भी समझ से बाहर है। फिर चीमा जो आया जिस तरह मैंने कहा, सो आप लोगों ने देखा होगा कि 2016-17 के बाद इस्लामाबाद के साथ वो है और ज़्यादातर वो प्लेयर्स की जो है वो मीडिया वगैरह ये मैनेजर है। सो इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस क्या है, न वो प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं, न लोगों ने फाइनल जीता है, कुछ भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो अगर वहाँ पे उसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस नहीं है तो यहाँ पे भी समझ से बाहर है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर ली, आप लोगों का इस बारे में क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं।